हेलो और वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बेस 100 प्लस जीके के क्वेश्चंस, जिसमें होने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको आज के सेशन में देखने वाले हैं। ये मैराथन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी होने वाली कल की एग्जामिनेशन के लिए। ये एक लास्ट वीडियो है जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले एक बार देख कर जाना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे MCQs को कवर किया गया है, काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है एंड वन लाइनर क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि आपको बिफोर योर एग्जामिनेशन एक बार गो थ्रू करना होगा। आई होप आप लोगों को जैसा मैंने रिकमेंड किया था कि आपको राजस्थान की प्लेलिस्ट फॉलो करनी होगी, जितने भी सेशन मैंने बताए वो आई होप अपने सारे देख लिए होंगे। ये सेशन भी आपको एग्जाम से पहले एक बार देखना होगा। इसके अलावा आपके साथ ये कहना चाहूँगी कि आपको कल के एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आपको कल का पेपर जो है वो कामली सॉल्व करना है, आपको कहीं भी पैनिक नहीं होना है और कहीं पे भी आपको आपका कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय जो है वो स्पेंड नहीं करना है। कभी कभार कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं एंड उस चक्कर में जो आता है वो क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना उसको आपको स्किप करना है। जब आपको एंड में समय बच जाता है तब उस पर समय व्यतीत करोगे तो चलेगा, बट स्टार्टिंग में जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको नहीं आता है, आप उस पर टाइम स्पेंड करते हो तो वो गलत हो जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, आपको गैस वर्क नहीं करना है। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गैस वर्क अगर करके आता है तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, इसीलिए आपको एक्यूरेसी रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना है। अगर वो आपके लिए पेपर डिफिकल्ट है दैट मीन्स वहाँ पे जितने भी आपके साथ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो उन सभी के लिए पेपर डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है। अपना एक्यूरेसी 100% रखना है, अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है और सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि आपको एक्यूरेसी ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि हम कभी कभार क्या होता है पेपर डिफिकल्ट आता है तो हम काफ़ी सारा गेस वर्क करके आते हैं, उस चक्कर में जो हम करेक्ट क्वेश्चन करते हैं वो भी मार्क हमारा चले जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमें एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, हमें पेपर को कामली सॉल्व करना है, कहीं पर भी पैनिक नहीं होना है और अच्छे से हमारा पेपर को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। ठीक है, सो ये हुआ आपके कल के पेपर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो कि मैंने आपको बताई। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए एंड आपका जो भी रिव्यू रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं वो हमारे साथ आप लोगों को शेयर करना होगा। आप टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो। आपको हमारे साथ जो भी क्वेश्चन, जिसको भी याद आते हैं वो क्वेश्चन शेयर करने हैं, कैसा आप लोगों का पेपर रहा वो भी आप शेयर कर सकते हो। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आपको इसका ई बुक चाहिए इस मैराथन का, सो इसका ई बुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी डाला हुआ है, वो आप ई बुक से भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, नेम ऑफ द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिल्स ऑफ खमनौर नियर कुंभालगढ़ इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज। ऑप्शन बी बनास रिवर। बनास रिवर जो है वो खमनौर हिल से ओरिजिनेट होती है जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबाल रिवर की, जिसे वन की हाशा भी बोला जाता है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ है 512 किलोमीटर। ठीक है, इसे वन की आशा, जिसे ही होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ राजस्थान डिक्लेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जून 26, 2013 में पहला एग्रीकल्चर पॉलिसी राजस्थान का डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सैंडी सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कौन से पार्ट में सैंडी सॉइल पाई जाती है। आंसर हो जाएगा वेस्टर्न पार्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एलुवियल सॉइल जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है, सैंडी सॉइल जो है वो थार डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल जो है वो साउथ ईस्ट पोर्शन में पाई जाती है, ब्लैक लोमी सॉइल एंड रेड ब्लैक सॉइल जो है वो अरावली रेंज रीजन में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बूंदी वॉज एस्टैब्लिश बाय होम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए राव देवा हाडा, जो है वो उन्होंने बूंदी डिस्ट्रिक्ट को एस्टैब्लिश किया था।
ठीक है। इसके अलावा आप ये साइट के चार्ट में देख सकते हो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की और उसे किसने इस्टेब्लिश किया एंड कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हो अजमेर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय अजय राज इन 1113, ठीक है। जोधपुर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 12th of May 1459 को हुआ था बाय राव जोधा। इसी के अलावा जितने भी है वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एस्टैब्लिशमेंट ईयर या फिर किसने एस्टैब्लिश किया ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक साइड में हमें न्यूज़पेपर दिया हुआ है, एक साइड में हमें प्लेस दी हुई है। सो सबसे पहले है जय हिंद न्यूज़पेपर। ये जो जिस प्लेस पे सबसे पहले स्टार्ट किया गया था उस प्लेस का नाम है कोटा, मतलब जय हिंद न्यूज़पेपर कोटा से स्टार्ट हुआ। तरुण राजस्थान जो है वो ब्यावर से स्टार्ट हुआ, नवीन राजस्थान जो है वो अजमेर से स्टार्ट हुआ एंड राजस्थान केसरी जो है वो वर्धा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल की पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमें वीडियो को भी शॉर्ट में भी बनाना है एंड हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करना है। तो जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच इज़ नोन एज 100 आइलैंड एरिया इन राजस्थान। राजस्थान में 100 आइलैंड एरिया किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 आइलैंड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा What do you mean by BWHW? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉट एरिड रीजन को कहा जाता है BWHW। अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। AW को कहा जाता है ट्रॉपिकल वेटलैंड्स, BSHW को कहा जाता है सेमी एरिड रीजन, BWHW को कहा जाता है हॉट एरिड रीजन एंड CWG को कहा जाता है मॉनसून रेनी रीजन। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, ज्योग्राफी बेस्ड इम्पॉर्टेंट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं एंड ये मैंने जो कोपेंस क्लासिफिकेशन है काफ़ी डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये सेशन अगर आप देखते हो तो आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इम्पॉर्टेंट वाली रिलेटेड टू ज्योग्राफी वो पता चल जाएगी, तो आप ये सेशन को रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो कोपेन क्लासिफिकेशन को ही, उसके जो रीजन्स है वो कौन से पार्ट में आते हैं राजस्थान के, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो पर्टिकुलर पार्ट आता है एंड उसे कौन सा रीजन कहा जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, ओके। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द अनइवन हिल्स विद द स्टीप स्लोप्स एंड लेस हाइट फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिरोही आर लोकली नोन एज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाकर। जो अनइवन हिल्स है जिनके जो स्लोप्स है वो स्टीप है एंड हाइट जो है बहुत लेस है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिरोही में पाया जाता है, उसे लोकली क्या बोला जाता है, भाकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाकर इज द इंटेंसली रग्ड स्लोप ऑफ अरावली माउंटेन रेंज इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड एज भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिल इन टर्म्स ऑफ देयर डिक्रीजिंग हाइट। सो डिक्रीजिंग हाइट में हमें इन हिल्स को जो है करेक्ट ऑर्डर में लगाना होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सबसे पहले आता है गुरु शिखर, देन आता है सैर, देन आता है जरगा, देन आएगा अचलगढ़, देन आएगा कुंभालगढ़। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा जैसे ही आप हाइट का एक पीक का चार्ट देखते हो। सो ये वो चार्ट है जिसमें माउंटेन जो है माउंटेन पीक्स जो है राजस्थान की उनकी हाइट दी हुई है। तो गुरु शिखर की है 1722, सेर पिक का जो है वो 1597 है, दिलवाड़ा जिन आता है 1442, देन आता है जरगा 1431, देन आता है अचलगढ़, देन आता है कुंभालगढ़। सो ये हमारी राजस्थान की जो कुछ माउंटेन पिक्स है उनकी हाइट दी हुई है इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो आप कुछ स्टार्टिंग के जो है वो ध्यान में रख सकते हो, कुछ एंडिंग के ध्यान में रख सकते हो एंड वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। जैसे गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू का है डिस्ट्रिक्ट में आता है जिसका हाइट है 1722। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया सवाल है, आपको ज़रूरी नहीं कि सेम पोर्शन पूछा जाएगा, लेकिन आपको इनमें से कोई भी पीक पूछी जा सकती है, उसका लोकेशन पूछा जा सकता है, उसकी हाइट पूछी जा सकती है, तो आपको ये चार्ट ध्यान में रखना होगा, ओके। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा लैंड रीजन ऑफ माही बेसिन फाउंड बिटवीन द बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ इज नोन एज। माही बेसिन
का जो लैंड रीजन है जो कि पाया जाता है बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 56 प्लेन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन टू एक्सकावेट कालीबंगन इन 1953? कौन है पहले हिस्टोरियन जिन्होंने कालीबंगन को एक्सकावेट किया था 1953 में? तो वो है ए घोष, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी साइट्स को एक्सकावेट किया गया, कौन से ईयर में किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है डिटेल में तो आपको हिस्ट्री का सेशन राजस्थान का रेफर करना होगा, सो दैट आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द लेटेस्ट एक्सकावेटेड साइट ऑफ आहार कल्चर इज डैश, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालाथल। बालाथल ये साइट है जो कि आहार कल्चर की लेटेस्ट एक्सकावेटेड साइट है, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट रिवोल्ट ब्रेक आउट इन 1857 इन राजस्थान? राजस्थान में पहला रिवोल्ट जो है 1857 पे कहाँ पर हुआ, ये पूछा जा रहा है। आंसर होगा नसीराबाद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28th of May 1857 को नसीराबाद में सबसे पहला विद्रोह जो है वो हुआ था। इसके अलावा जितनी भी रिवॉल्ट प्लेसेस है और वो कौन से दिन वहाँ पर रिवॉल्ट हुआ, ये सारा चार्ट मैंने आप लोगों को दिया है। इसके अलावा ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है उन्होंने राजस्थान को 6 ब्रिटिश कैंटोनमेंट जोन में डिवाइड किया था, सो वो भी वहाँ पर प्रेजेंट है, उनके डिस्ट्रिक्ट भी प्रेजेंट है, सो ये दोनों चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फेमस रिवॉल्यूशनरी नोन एज भामशाह ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान? राजस्थान में भामशाह ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल किस रिवॉल्यूशनरी मैन को कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर दास राठी जो है उन्हें भामशाह ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल से कहा जाता था, ठीक है, उससे उनको जाना जाता था, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइडेड द लीडरशिप टू बेंगू फार्मर मूवमेंट इन द ईयर 1921? इनमें से किसे बेंगू फार्मर मूवमेंट का लीडरशिप जो है 1921 में प्रोवाइड किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम नारायण चौधरी को जो है बेंगू फार्मर मूवमेंट का लीडरशिप 1921 में प्रोवाइड किया गया था। बेंगू जो है वो चित्तौड़गढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट आता है। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अगेन एक बार कहना चाहूँगी कि आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, सो आप लोगों को वीडियो पॉज करके वो इन्फॉर्मेशन को एक बार ग्रो थ्रू करना होगा, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच पर्सन इज रिलेटेड विद भगत मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट? सो भगत मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट ये कौन से पर्सन से रिलेटेड है, कौन से पर्सन से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यादव डायनास्टी इन करौली इन 1040? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयपाल। यादव डायनास्टी का जो एस्टैब्लिशमेंट किया वो विजयपाल ने किया था इन करौली इन 1040। इसके अलावा जितनी भी डायनास्टीज है उनके फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है डायनास्टीज के लिए, अगर आप वो सेशन देखते हो तो आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एस्टैब्लिश जाट स्टेट इन भरतपुर? इनमें से कौन से रूलर है जिन्होंने जाट स्टेट को भरतपुर में एस्टैब्लिश किया? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूरामन एंड बदन सिंह, इन दोनों ने जो है जाट स्टेट को जो है एस्टैब्लिश किया भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ भरतपुर लेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लोहाटगढ़ फोर्ट जो कि भरतपुर में है एंड जल महल ऑफ डेक? आंसर हो जाएगा महाराजा सूरामल। महाराजा सूरामल जो है इनके नेतृत्व में जो है लोहाटगढ़ फोर्ट जो कि भरतपुर का एंड जल महल ऑफ डेक जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट रूल लास्टेड द लॉन्गेस्ट इन राजस्थान? राजस्थान में इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट रूल जो है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला? सो वो है फोर्थ प्रेसिडेंट रूल जो कि था 15th of December 1992 से लेकर 3rd of December 1993 तक, दैट इज 354 डेज के लिए जो है ये फोर्थ प्रेसिडेंट रूल जो है राजस्थान में चला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ प्रेसिडेंट रूल। इसके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट रूल लगे वो कब से कब तक लगे, कितने दिन के लिए लगे, ये सारा इस चार्ट में गिवन है जो कि आपको अगेन ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान ऑफ जयपुर सिटी वॉज डिजाइन बाय विच आर्किटेक्ट? जयपुर सिटी का किस तरह डिजाइन करना, ये प्लानिंग किस आर्किटेक्ट द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनइवन एंड इरोडेड प्लेट्यू इन द ईस्ट ऑफ जैसामंत लेक इज कॉल्ड एज? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेट्यू ऑफ लसाडिया।
जो अनइवन और इरोडेड प्लेटू है जो कि जैसामंद लेक के इसमें आता है उसे प्लेटू ऑफ लसार्डिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो। इसके अलावा एक चार्ट है जिसमें 25 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर द मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चीफ मिनिस्टर। उसी के साथ साथ 30 ईयर्स के लिए मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देन 35 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट के लिए 35 ईयर्स है एंड 21 ईयर्स जो है वो सरपंच एंड म्यूनसिपालिटी के लिए 21 ईयर्स होना इंपॉर्टेंट है। सो ये मिनिमम एज जो है इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी में अगर मेंबर बनना है तो वो एज का चार्ट आप लोगों को गिवन है। इसके अलावा आप जितनी भी पॉलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या फिर पॉलिटी रिलेटेड आप लोगों को राजस्थान बेस्ड जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक और उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, राजस्थान का पॉलिटी, वो वीडियो देखते हो तो आपको और भी ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू पॉलिटी वो सारी वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है रिलेटेड टू पॉलिटी और बाकी जो आर्टिकल्स है एंड जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको उस सेशन में मिल जाएगा, आप उस सेशन को रेफर कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान। राजस्थान का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हाईएस्ट फॉरेस्ट को कवर करता है, वो है उदयपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में जो फॉरेस्ट कवरेज स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो है 2757 किलोमीटर्स का एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा है। देन आता है चित्तौड़गढ़ का जो है वो है 988, बारा का जो है वो है 1010, करौली का है 870, अलवर का है 1196। सो ये इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ये फॉरेस्ट कवर एरिया जो है यहाँ पर आप लोगों को इस चार्ट में जो है मैंने प्रेजेंट किया है। सो सबसे ज़्यादा जो है वो उदयपुर का है। इसके अलावा आप नीचे जो कुछ मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, गवर्नमेंट ने क्लासिफाइड किया है फॉरेस्ट एरिया को 3 टाइप्स में, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। सो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 18,217 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे जो 2019 में हुआ उसके तहत बताया गया हुआ रिकॉर्ड है, ठीक है। सो राजस्थान में जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है 32,737 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मोरध्वज एंड निहालचंद बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल। सो मोरध्वज एंड निहालचंद जो है वो कौन से पेंटिंग स्टाइल से बिलोंग करते हैं, वो है किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल से वो लोग बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो भी फेमस पेंटर्स है इस चार्ट में एंड उनकी पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल भी गिवन है, सो आप उससे भी ध्यान में रख सकते हो। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया मोरध्वज एंड निहालचंद, उसी के अलावा जोधपुर पेंटिंग स्टाइल, नाथद्वारा पेंटिंग स्टाइल, इनके भी जो फेमस पेंटर है वो भी गिवन है, आप पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हिली रीजन फाउंड बिटवीन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा इज नोन एज। आंसर हो जाएगा मेवल। मेवल कहाँ जाता है, जो हिली रीजन है डूंगरपुर का एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उससे कहा जाता है मेवल। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द अरावली माउंटेन रेंज स्टार्ट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड हेड्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरोही। सिरोही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली माउंटेन रेंज जो है वो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, छप्पन का मैदान इज इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा सदर्न पार्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में है। छप्पन का मैदान इज लोकेटेड इन बांसवाड़ा रीजन। इट इज कॉल्ड छप्पन का मैदान ड्यू टू 56 विलेजेस। इट इज इन द रीजन ऑफ बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेर इन राजस्थान एल्फी सोल्स एलुअल सॉइल इज फाउंड। ये आप लोगों को थोड़ा टाइम पहले ही मैंने बताया, एल्फी सोल्स जिसे एलुअल सॉइल भी कहा जाता है राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो सॉइल्स है उसे वर्टिसोल्स, एरिडिसोल्स, एल्फिसोल्स एंड इंसेप्टिसोल्स इन टाइप्स में बांटा गया है। इन ये कौन से रीजन में पाई जाती है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इनकी क्या स्पेशलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, आप
पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन द सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान यूनियन वॉज इनॉग्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। सो सेकेंड फेज ऑफ राजस्थान को कहा जाता है राजस्थान यूनियन। सो वो जिस डेट पर इनॉग्रेट किया गया वो डेट है 25th of March 1948। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सेवन फेजेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान जो है वो मैंने कंप्लीट एक इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये एक इकलौता वीडियो देखते हो तो आप लोगों को राजस्थान का एकीकरण किस तरह हुआ, किस तरह फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से वो वीडियो में समझ आ जाएगी। अगर आप वो वीडियो को रेफर करते हो तो आपको यूनिफिकेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका डेफिनेटली वो वीडियो से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जिप्सम विच इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल इज़ फाउंड मैक्सिमम इन क्वान्टिटी एट। सो जिप्सम जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम जो है वो बीकानेर में पाया जाता है। राजस्थान 90% ऑफ प्रोडक्शन करता है इंडिया में जिप्सम का, एंड जामसर ऑफ बीकानेर हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द स्टेट। नेक्स्ट जो है, इस स्लाइड में आप लोगों को कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं एंड उनका डिपॉजिट एरिया दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो वोल्स्टोनाइट जो है, गार्नेट जो है, लीड एंड जिंक है, जास्पर है, ये जो जितने भी मिनरल्स है इनका कहाँ पर ये लोग राजस्थान में पाए जाते हैं उनका एरिया जो है वो गिवन है। ठीक है, सो आप ये एक बार गो थ्रू कर सकते हो बिफोर योर एग्जामिनेशन। एक और स्लाइड है जिसमें ग्रेनाइट है, मार्बल है, जो कि मकराना का मार्बल आप लोगों को पता होगा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जिप्सम का मैंने आप लोगों को भी बताया कि वो बीकानेर में मोस्टली फाउंड किया जाता है, वो गंगानगर में भी पाया जाता है, बाड़मेर में भी पाया जाता है, एंड फेल्डस्पार। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये मिनरल्स के लिए राजस्थान को बहुत जाना जाता है। तो मिनरल्स कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं इसका ये चार्ट है, ये दो चार्ट में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबल रिवर इज ऑल्सो नोन एज डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चंबल रिवर को जो है चरमावती एंड कामधेनु दोनों भी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल रिवर जो है वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि 960 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाईएस्ट लेक ऑफ राजस्थान वेयर टोड रॉक एंड नन रॉक आर सिचुएटेड इज। आंसर हो जाएगा नक्की लेक। नक्की लेक ये ऐसा लेक है, हाईएस्ट लेक है राजस्थान का, जहाँ पर टोड रॉक और नन लॉक जो है, नन रॉक जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अंडर द ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1892 ऑन द रिवर बांडी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉयसागर। सो अंडर द ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम इनमें से कौन सा लेक जो है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था 1892 में ऑन द रिवर बांडी। सो आंसर हो जाएगा फॉयसागर लेक को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेरी एंड बागड़ी डायलेक्ट कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्टर्न राजस्थानी। सो बीकानेरी एंड बागड़ी डायलेक्ट जो है वो वेस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज के अंडर में आती है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन जो है उन्होंने राजस्थानी लैंग्वेज को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। सो वेस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज में जो डायलेक्ट्स आते हैं वो गिवन है, देन नॉर्थ ईस्ट में कौन से आते हैं, सेंट्रल ईस्ट राजस्थानी में कौन से आते हैं, साउथ ईस्ट राजस्थानी में कौन से आते हैं, एंड सदर्न राजस्थानी में कौन से आते हैं। तो एक साइड में लैंग्वेजेस गिवन है और एक साइड में उनके डायलेक्ट्स गिवन है कि उनके अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, सो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु कंडक्ट द लाइफ स्टॉक सेंसस इन राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवेन्यू बोर्ड जो है वो राजस्थान में लाइफ स्टॉक सेंसस को कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक इकोनॉमी है राजस्थान के बारे में दी गई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ध्यान में रख सकते हो कि जो स्टेट में है 11.27% जो है वो लाइफ स्टॉक है। उसके अलावा द स्टेट अकाउंट फॉर अबाउट 6.98% ऑफ कैटल, 11.94% ऑफ बफेलोज, 16.93% ऑफ गोट्स, 13.93% ऑफ शीप, 81.50% ऑफ कैमल्स ऑफ द कंट्री। मतलब ये राजस्थान का लाइफ स्टॉक जो है इकोनॉमी ये बताया गया है। राजस्थान रैंक सेकेंड इन मिल्क प्रोडक्शन
प्रोडक्शन इन इंडिया, राजस्थान रैंक सेकेंड इन पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, राजस्थान रैंक फर्स्ट इन वुल प्रोडक्शन इन इंडिया, राजस्थान प्रोड्यूस 10% ऑफ मीट इन इंडिया एंड राजस्थान रैंक 14th इन एग प्रोडक्शन इन इंडिया एंड सो ऑन। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये राजस्थान का लाइफ स्टॉक का जो इकोनॉमी है उसके बारे में जो भी फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मत्स्य फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। मत्स्य फेस्टिवल जो है वो राजस्थान में कौन से सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलवर। अलवर में मनाया जाता है मत्स्य फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो साइड में आप लोगों को चार्ट गिवन है, फेस्टिवल्स गिवन है एंड उनके मंथ गिवन है कि कौन से मंथ में वो मनाया जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये फेयर्स एंड फेस्टिवल का वीडियो देखते हो तो इसमें आपको राजस्थान के जो भी इंपॉर्टेंट फेयर्स है, फेस्टिवल्स है, वो कब मनाया जाता है, कौन से मंथ में मनाया जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को रेफर करते हो तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी अबाउट फेयर्स एंड फेस्टिवल। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंगूढ़ा, बिछुआ, झांझर आर राजस्थानी ऑर्नामेंट वन बाय विमेन इन इज। सो आंसर हो जाएगा, ये जो ऑर्नामेंट्स है ये सारे लेक ऑर्नामेंट्स है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑर्नामेंट्स रिलेटेड, मतलब कि टॉप टू बॉटम जो भी राजस्थानी विमेन ऑर्नामेंट पहनती है, वो सारे ऑर्नामेंट्स का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है और अच्छे से पिक्चर फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको ऑर्नामेंट रिलेटेड कुछ भी जानना है सो आपको ये वीडियो को रेफर करना होगा, सो दैट आपको सब कुछ पता चल जाएगा कौन सा ऑर्नामेंट कहाँ पर पहना जाता है। एंड मेल्स का भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कीर्ति स्तंभ लोकेटेड। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में है कीर्ति स्तंभ। विच स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है, मीनार ऑफ नाहर खान जो है वो कोटा में है। इसके अलावा जैन विक्ट्री टावर जो है वो भी चित्तौड़गढ़ में है। कीर्ति स्तंभ जो है वो 12th century में के चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है एंड इसे राजस्थान में 12th century में एस्टैब्लिश किया गया था। ये जो है ये 72 फीट का टावर है एंड इट वाज बिल्ड बाय जैन मर्चेंट जीजा भागीरवाला ड्यूरिंग द रीन ऑफ रावल कुमार सिंह इन 1179 to 1191 CE। सो ये था अबाउट कीर्ति स्तंभ एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको किसने बिल्ड किया, कब बिल्ड किया और इसकी हाइट क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु कंपोज राजस्थानी लिटरेचर राव जसीरो छंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुजा जी, जो है उन्होंने इस बुक को जो है कंपोज किया था राव जसीरो छंद। ठीक है, इस लिटरेचर को उन्होंने कंपोज किया था सुजा जी ने। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है राजस्थान के वो नीचे गिवन है एंड उनके साथ उनके जो ऑथर्स है वो भी गिवन है। ठीक है, जैसे कि रूठी रानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे केसरी संघ भरहात ने जो है उसके ऑथर थे। ठीक है, देन राज रूपक उसके थे वीर भान, राव जसीरो रोचन जैसे मैंने आपको बताया अभी उसकी सुजाजी थी। ठीक है, एंड सो ऑन। सो ये आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है सारे एंड इनके ऑथर्स की बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज अडॉप्टेड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एज अ मैस्कॉट फॉर कंजर्वेशन। आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये मैस्कॉट है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट टू स्लाइड्स में आप लोगों को राजस्थान की जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके जो भी मैस्कॉट्स है वो गिवन है, सो आप ये ध्यान में रख सकते हो। अगर मैस्कॉट रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको आंसर आना चाहिए, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे मैस्कॉट कवर किए। जैसे अजमेर का आप देख सकते हो कारमोर बर्ड जो है वो मैस्कॉट है, देन भरतपुर का जो है वो सॉरस क्रेन है, बाड़मेर का जो है वो है फॉक्स है एंड सो ऑन। सो ये टू स्लाइडेड में जो है लिस्ट है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के मैस्कॉट गिवन है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस AW टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदर्न मोस्ट रीजन। सो सदर्न मोस्ट रीजन जो है जहाँ पर AW टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AW को ही ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन भी कहा जाता है, ये राजस्थान के सदर्न मोस्ट पार्ट में पाया जाता है जैसे कि बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द राजस्थानी वेरिएशन ऑफ ब्रज लैंग्वेज ऑफ मथुरा। आंसर हो जाएगा पिंगल ऑप्शन बी, ये है राजस्थानी वेरिएशन ऑफ ब्रज लैंग्वेज जो कि मथुरा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द लोकयुक्ता एंड डिप्टी लोकयुक्ता एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3rd February 1973
पृथ्वी में जो है वो लोकयुक्ता एंड डिप्टी लोकयुक्ता एक्ट को जो है राजस्थान में लाया गया। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सबसे पहले लोकयुक्ता थे वो थे आर डी दुआ एंड के पी यू मेनन जो थे वो 5 जून 1973 में फर्स्ट डिप्टी लोकयुक्ता अपॉइंट हुए। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि लोकयुक्ता और डिप्टी लोकयुक्ता एक्ट जो है वो राजस्थान में 3 फरवरी 1973 को लाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स है रिलेटेड टू पॉलिटी उसका भी अलग से सेशन बनाया हुआ है, वो आप देखते हो तो आपको सारी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स है वो पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग सिटीज विद देयर रिलेटेड रिवर। तो हमें सिटी को उनकी रिलेटेड रिवर से मैच करना होगा। सबसे पहले है रनकपुर सिटी, सो रनकपुर सिटी का आंसर हो जाएगा मंथाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू जो है वो है टोंक, टोंक का आंसर हो जाएगा बनास रिवर। थर्ड है अजमेर, अजमेर का हो जाएगा लुनी रिवर। एंड फोर है भिलवाड़ा, भिलवाड़ा का आंसर हो जाएगा कोठारी। ऑप्शन सी, सो इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट का बी, टू का ए, थ्री का डी एंड फोर्थ का सी। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ सिटीज़ दी हुई है एंड उसके रिलेटेड रिवर्स दी हुए हैं। जैसे पाली सिटी जो है वो बांडी रिवर से बिलोंग करता है, नाथद्वारा जो है वो बनास रिवर से बिलोंग करता है, विजयनगर जो है वो खारी नदी से बिलोंग करता है एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। हनुमानगढ़ जो है वो घाघर रिवर से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवॉल्यूशनरी हैज़ रिटन द बुक आज़ादी के दीवाने एंड जैसलमेर के गुंडाराज। आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जैसलमेर के गुंडाराज के ऑथर कौन है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सागरमल गोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ राजस्थान हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्निशन बाय यूनेस्को इन 2019। आंसर हो जाएगा जयपुर हेरिटेज सिटी को जो है वो 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो दिया गया। ये क्वेश्चन रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था RUNL का उसमें भी ये सवाल पूछा गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलेटेड। तो आप लोगों को इस साइट में राजस्थान में जितनी भी हेरिटेज साइट दी गई है वो सारी प्रेजेंट है। 2013 में जो है वो 6 फोर्ट्स को हेरिटेज साइट दिया गया था। वो कौन से 6 फोर्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना होगा और वो कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं वो ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा आप देख सकते हो केवलादेव नेशनल पार्क को 1985 में दिया गया था, जंतर मंतर को 2010 में एंड जयपुर हेरिटेज सिटी को 2019 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट दिया गया। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन बाय द नेम ऑफ शेर ए भरतपुर। आंसर हो जाएगा गोकुल वर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर ए भरतपुर जो है वो गोकुल वर्मा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु एस्टैब्लिश महिला शिक्षा सदन इन हटुंडी अजमेर इन द ईयर 1927 फॉर एनकरेजिंग वुमेन एजुकेशन, गांधी आश्रम एंड गांधी सेवा संघ फॉर सोशल सर्विस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिबाबू उपाध्याय। हरिबाबू उपाध्याय जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया महिला शिक्षा सदन को हाटुंडी अजमेर में इन 1927 में फॉर एनकरेजिंग वुमेन एजुकेशन। देन उन्होंने गांधी आश्रम को भी एस्टैब्लिश किया, गांधी सेवा संघ को भी एस्टैब्लिश किया फॉर सोशल सर्विस। तो वो थे हरिबाऊ उपाध्याय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज आयरन मैन ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा दामोदर लाल व्यास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्हें कहा जाता था आयरन मैन ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या जिसे गांधी ऑफ वांगड़ भी कहा जाता है वॉज बिलोंग्स टू विच प्लेस। ये कौन सी प्लेस को बिलोंग करते हैं। आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड सोशल वर्कर फ्रॉम डूंगरपुर इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑन 3rd अप्रैल 1976 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम द पद्म भूषण फॉर हिज सोशल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द रीन ऑफ विच रूलर इज नोन एज द गोल्डन पीरियड फॉर द चौहान ऑफ सांभर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विग्रहराज फोर, जिसे कि बिसालदेव भी कहा जाता था। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सांभर के जो चौहान थे उनके लिए किसके शासनकाल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। सो विग्रहराज फोर इनके शासनकाल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ राय पिथोरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान थ्री जो है वो फेमस थे बाय द नेम ऑफ राय पिथोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ पृथ्वीराज विजय। आंसर हो जाएगा जयानक भट्ट। जयानक भट्ट जो है वो राइटर थे पृथ्वीराज विजय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चौहान किंग मेड अजमेर हिज फर्स्ट कैपिटल। कौन से चौहान ने अजमेर को पहला कैपिटल बनाया, वो है अजयराज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजयराज वॉज अ रूलर ऑफ चहामाना डायनेस्टी, ही फाउंडेड द सिटी अजमेर एंड उन्होंने उसको कैपिटल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर द दिल्ली शिवालिक पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज एनग्रेव्ड। किस
शासक के काल में दिल्ली शिवालिक पिलर इंस्क्रिप्शन को एनग्रेव्ड किया गया? आंसर हो जाएगा विग्रहराज 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आफ्टर विच रूलर ऑल द रूलर्स ऑफ जयपुर स्टार्टेड प्रीफिक्सिंग देयर नेम विद सवाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयसिंह 2। जयसिंह 2 ये रूलर थे, इन्होंने सबसे पहले सवाई ये जो है ये इससे अपने नाम को प्रीफिक्स किया एंड आफ्टर दैट जितने भी जयपुर के रूलर्स थे उन लोगों ने भी सवाई लगाना स्टार्ट किया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो गांधी ऑफ वांगड़ किसे कहा जाता है? बोगीलाल पांड्या। सो ए का हो जाएगा 4th। देन आयरन माइन ऑफ राजस्थान दामोदर दास व्यास को कहा जाता है? इससे बी का 3 हो जाएगा। गांधी ऑफ राजस्थान जो थे वो थे गोकुल भाई बट, सी का 2nd हो जाएगा। एंड फादर ऑफ किसान मूवमेंट का हो जाएगा 1st विजय सिंह पाठक। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेमस फोर्ट ऑफ बीकानेर 1594 में बीकानेर फोर्ट को किसने कंस्ट्रक्ट किया? आंसर हो जाएगा राजा राय सिंह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड महल है उस वो दिया हुआ है, देन वो कहाँ पर सिचुएटेड है वो दिया हुआ है एंड उनके बिल्डर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है जिसे महाराणा कुंभा द्वारा बिल्ड किया गया, ठीक है, जैसे भरतपुर फोर्ट वो भरतपुर में है, इसे राजा सूरजमल सिंह द्वारा इसे बिल्ड किया गया। आमेर फोर्ट जो कि जयपुर में, जिसे मानसिंह 1 द्वारा बिल्ड किया गया। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द फेमस बुक ऑफ भाषा भूषण? सो भाषा भूषण बुक को किसने कंपोज किया यह पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह राठौड़, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ राठौड़ डायनास्टी ऑफ राजपुताना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंडोर। मंडोर जो है वो पहला कैपिटल है राठौड़ डायनास्टी का। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो है कुछ राजपूत किंगडम्स दिए हुए हैं, उनकी कैपिटल दिए हुए हैं एंड फाउंडर दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज़ द जोधपुर सिटी एस्टैब्लिश बाय राव जोधा? राव जोधा द्वारा जोधपुर सिटी को कब एस्टैब्लिश किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1459 को जो है जोधपुर सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था बाय राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नागभट्टा 1 इज रिलेटेड टू विथ विच डायनास्टी? कौन सा डायनास्टी से नागभट्टा 1 रिलेट करते हैं? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी से नागभट्टा 1 रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक साइड में रूलर दिए हुए, एक साइड में डायनास्टीज दी हुई है। सबसे पहले आता है विग्रहराज 4। विग्रहराज 4 का आंसर हो जाएगा 2, वो चौहान डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। हरिश्चंद्रा का आंसर हो जाएगा 1, वो प्रतिहारा डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। बाप्पा रावल का आंसर हो जाएगा 4, जो कि गुहिल डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। एंड डी का आंसर हो जाएगा 3, जो कि गहरवाल डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ राजसमंद लेक डन बाय महाराणा जय सिंह? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1662 में जो है राजसमंद लेक जो है उसका कंस्ट्रक्शन डन हुआ था महाराणा राज सिंह द्वारा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन रिनेम चित्तौड़ एज डैश आफ्टर ही कॉनकर्ड 1803। सो अलाउद्दीन ने रिनेम किया था चित्तौड़ को एज अ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिरजाबाद। उन्होंने अलाउद्दीन ने जो है वो रिनेम किया था चित्तौड़ को एज अ खिरजाबाद जब उन्होंने उसे हासिल कर लिया था 1303 में। ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टॉड डिजिग्नेटेड विच वॉर एज अ थर्मोपल्ली वॉर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हल्दीघाटी वॉर। सो कर्नल टॉड जो है उन्होंने थर्मोपल्ली वॉर को जो है एज अ हल्दीघाटी वॉर डेजिग्नेट किया था। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एंशियंट मोस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान? सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन राजस्थान का कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार्ली इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सिविलाइजेशन एंड प्लेस दिया हुआ है। सो बागोर इज रिलेटेड टू 3 हो जाएगा भिलवाड़ा, कालीबंगा इज रिलेटेड टू हनुमानगढ़, आहार इज रिलेटेड टू उदयपुर एंड गणेश्वर इज रिलेटेड टू सीकर। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथरा की पाल माइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में है नथरा की पाल माइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद देयर करेक्ट लोकेशन? सो सबसे पहला है रामगढ़ सेंचुरी। रामगढ़ सेंचुरी जो आता है वो आता है बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। देन है जवाहर सागर सेंचुरी जो कि आता है कोटा डिस्ट्रिक्ट में। वन विहार सेंचुरी जो है वो आता है ढोलपुर
डिस्ट्रिक्ट में, तालचोपर सेंचुरी जो है वो आता है चूरू डिस्ट्रिक्ट में, एंड सरिस्का सेंचुरी जो है वो आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रणथंभौर डिक्लेयर एज अ फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। रणथंभौर जो है वो राजस्थान का पहला नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया। आंसर हो जाएगा 1980 में इसे डिक्लेयर किया गया राजस्थान का नेशनल पार्क। 1 नवंबर 1980 को ये राजस्थान का एज अ नेशनल पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल वॉज डिक्लेयर एज अ स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान ऑन June 30, 2014। सो राजस्थान का स्टेट एनिमल जो है वो June 30, 2014 को किस एनिमल को डिक्लेयर किया गया, कैमल को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल डेजर्ट पार्क वॉज एस्टैब्लिश इन जैसलमेर। सो जैसलमेर में नेशनल डेजर्ट पार्क जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, 1981 में वो एस्टैब्लिश हुआ। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन डिड द पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ राज प्रमुख इन राजस्थान। सो राजस्थान में राज प्रमुख की प्लेस पर गवर्नर को कब जो है क्रिएट किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, November 1, 1956 को जो है पहले गवर्नर अपॉइंट किया गया राजस्थान का। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग। सो मिसमैच बताना है डांस फॉर्म का है। गेयर जो है वो भील ट्राइब से बिलोंग करता है, करेक्ट है। झाला डांस, झेला डांस जो है वो सहारिया से बिलोंग करता है, ये भी करेक्ट है। रसिया डांस जो है वो मीना ट्राइब से बिलोंग करता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन चारी डांस जो है वो कालबेलिया से बिलोंग करता है, ये गलत है। चारी डांस फॉर्म जो है वो गुज्जर एंड सैनी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको साइड में चार्ट दिया हुआ है जिसमें ट्राइब्स एंड डांस फॉर्म्स है। सो भील ट्राइब से कौन सा डांस फॉर्म बिलोंग करता है, गरासिया से कौन सा है, कालबेलिया से कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माही रिवर इज ऑल्सो नोन एज। माही रिवर को और क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ, गंगा ऑफ कांठल एंड वागड, गोल्डन लाइन ऑफ सदर्न राजस्थान एंड गंगा ऑफ ट्राइबल्स, ये तीनों चीज़ें कही जाती है माही रिवर को। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पाइस पार्क ऑफ राजस्थान वॉज एस्टैब्लिश इन। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया। आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट। सो एक साइड हमें क्या दिया हुआ है, फोक डीडी दी हुई है एंड एक साइड डेट एंड फेयर दिया हुआ है। सो गोगा जी जो है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, देवनारायण जी जो है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है, बाबा रामदेव जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया टू एकादशी में मनाया जाता है, एंड वीर तेजा जी जो है वो भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दैट मीन्स इनका जो पर्टिकुलर पेयर दिया हुआ है वो ऑलरेडी करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगेन एक और बार रिकमेंड करना चाहूंगी कि फेयर्स एंड फेस्टिवल का अगर आप वीडियो देखते हो तो उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है। सो ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल में जाननी है तो आपको वो वीडियो एक बार देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतारगढ़ इज अ पार्ट ऑफ विच फोर्ट। आंसर हो जाएगा कुंभालगढ़ फोर्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग महल ऑफ बूंदी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डैश। आंसर हो जाएगा छत्रसाल द्वारा रंग महल जो है वो बूंदी का कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। बूंदी में जो रंग महल है वो छत्रसाल ने कंस्ट्रक्ट किया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज हवेलियों का नगर। कौन से सिटी को हवेलियों का नगर कहा जाता है। सो आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ बूंदी को कहा जाता है छोटी काशी और द्वितीय काशी, बारा को कहा जाता है वराह नगरी, बीकानेर को कहा जाता है रात घाटी। इसके अलावा आने वाली 4 स्लाइड्स में आप लोगों को राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट है वो किससे जानी जाती है, उसे और क्या कहा जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप ईबुक में आप लोगों को मिल जाएगी, आप रिविजन कर सकते हो। सो ये आपके लिए एडिशनल नोट्स है जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए, क्योंकि आप लोगों को इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पूछा, सपोज टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है, तो वो है बिलवाड़ा। ऑरेंज सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है, तो वो है झालावाड़। कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, तो वो है सूरतगढ़, ठीक है। सो ये 4 स्लाइड्स में जो है ये गिवन है, आप लोगों को ये अगर पढ़ना होगा तो आप ई बुक में इसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अभी वन लाइनर क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो है एमसीक्यू पैटर्न में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो
देखते आज का हमारा सबसे पहला वन लाइनर क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो कौन सी स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा गुजरात एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच महाराजा गॉट डेबर लेक बिल्ट, कौन से महाराजा ने डेबर लेक को बिल्ट किया। आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द छापी इरिगेशन प्रोजेक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में छापी इरिगेशन प्रोजेक्ट है। आंसर हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, किसे फादर कहा जाता था इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का, वो थे श्री कन्वर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ राजस्थान इज फेमस बाय द नेम ऑफ मरुधर, कौन सा राजस्थान का डिवीजन है जो कि फेमस था मरुधर नाम से। आंसर हो जाएगा जोधपुर डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट रीनेम एज इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, कब राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का नाम रीनेम करके इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट रखा गया, इन 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉर वॉज कॉल्ड मैराथन ऑफ मेवाड़ बाय कर्नल जेम्स टॉड, कौन से युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा गया था बाय कर्नल जेम्स टॉड द्वारा, तो वो कहा गया था बैटल ऑफ दीवेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्ट इज कॉल्ड भटनेर फोर्ट, कौन से फोर्ट को भटनेर फोर्ट कहा जाता है, हनुमानगढ़ फोर्ट को कहा जाता है भटनेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द राठौर डायनास्टी इन मारवाड़, आंसर हो जाएगा रावसिया जी ने राठौर डायनास्टी को मारवाड़ में एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट, वेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो कौन से प्रोजेक्ट स्टेट्स का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो वो है पंजाब राजस्थान एंड हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान चिनकारा गेट द स्टेटस ऑफ स्टेट एनिमल, आंसर हो जाएगा 22 मई 1981 में जो है चिनकारा को राजस्थान का स्टेट एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बास्केटबॉल गेट द स्टेटस ऑफ द स्टेट स्पोर्ट, कब बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट बना, 1948 में। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज अ ग्रेनाइट सिटी, कौन से सिटी को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, जालोर को कहा जाता है। व्हेन वाज द राजस्थान सेवा संघ एस्टैब्लिश, कब राजस्थान सेवा संघ एस्टैब्लिश हुआ, 1919 में राजस्थान सेवा संघ एस्टैब्लिश हुआ। हु वाज द क्रिएटर ऑफ सांभर लेक, सांभर लेक के कौन क्रिएटर थे, वसुदेव थे। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर देयर इन राजस्थान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे राजस्थान पे कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, 19 थी। इन विच स्टेट ऑफ राजस्थान आजाद फ्रंट वॉज फॉर्म्ड इन 1942, आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर स्टेट में आजाद फ्रंट जो है वो फॉर्म किया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर इज नोन एज विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़, जो विजय स्तंभ है जो है चित्तौड़गढ़ में है उसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहा जाता है। इन विच ईयर ऑफ उदयपुर वॉज फाउंडेड बाय उदय सिंह, उदयपुर जो कि उदय सिंह द्वारा एस्टैब्लिश किया गया तो कौन से साल में किया गया, 1559 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय होम वॉज द करौली प्रजामंडल एस्टैब्लिश, करौली प्रजामंडल कब एस्टैब्लिश हुआ, किसके द्वारा एस्टैब्लिश हुआ, आंसर हो जाएगा बाय त्रिलोकचंद माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज नोन एज जालियांवाला बाग ऑफ बांगार, आंसर हो जाएगा मानगढ़, मानगढ़ को जो है जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस मानगढ़ धाम नोन एज जालियांवाला बाग ऑफ राजस्थान लोकेटेड, आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जो है मानगढ़ धाम जिसे कि जालियांवाला बाग ऑफ राजस्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राजपूताना एजेंसी फॉर्म्ड, आंसर हो जाएगा 1832 में राजपूताना एजेंसी को फॉर्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कालीबंगा द फेमस साइट ऑफ राजस्थान हरप्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड, सो राजस्थान का सबसे फेमस हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो वो है हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा एस्टैब्लिश, आंसर हो जाएगा 1931 में राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा एस्टैब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मेवाड़ प्रजामंडल एस्टैब्लिश, मेवाड़ प्रजामंडल जो है वो 1938 में एस्टैब्लिश हुआ। हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ अलवर, अलवर को किसने फाउंड किया, राव राजा प्रताप सिंह ने जो है वो अलवर स्टेट को जो है वो फाउंड किया। व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी अटैक चित्तौड़, कब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को अटैक किया, इन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ को अटैक किया। हु वॉज द एजीजी ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो एजीजी थे राजस्थान के ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है, रिवॉल्ट के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ बूंदी डिस्ट्रिक्ट, बूंदी डिस्ट्रिक्ट का एंशिएंट नेम क्या था, हाडोटी जो था वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट का एंशिएंट नेम था। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसके एंशिएंट नेम गिवन है, आप देख सकते हो हनुमानगढ़ का जो एंशिएंट नेम था वो था भटनेर, एंशिएंट नेम ऑफ ढोलपुर वॉज कोठी,
एंशियंट नेम ऑफ जैसलमेर वॉज मंडारा वालदेश. सो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसके एंशियंट नेम गिवन है, आप ये ध्यान में रख सकते हो, ठीक है. एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट लेक्स. सो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए अबाउट लेक्स एंड ट्राइब्स. दो स्लाइड्स में मैंने लेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें आप लोगों को लेक्स का किसने एस्टैब्लिश किया एंड कौन से साल में वो एस्टैब्लिश हुआ ये बताया गया है. एंड लास्ट स्लाइड जो है वो है ट्राइब के बारे में जिसमें कौन सी ट्राइब कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है ये इन्फॉर्मेशन दी है. तो आप ई बुक में भी पढ़ सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो. सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सबसे पहले कुछ MCQ क्वेश्चंस को पढ़ा, उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई है. आफ्टर दैट कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया एंड आप लोगों के साथ काफ़ी सारे चार्ट्स एंड काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को जितना भी मैंने राजस्थान का प्लेलिस्ट बनाया था वो मैंने फॉलो करने कहा था, आई होप आपने वो फॉलो किया होगा. जितने भी सेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे वो सारे आपने गो थ्रू किए होंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. आपको आपका पेपर जो है वो कामली सॉल्व करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, कामली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले आप लोगों को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको जब समय मिलता है उसके बाद सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर करना है. एक्यूरेसी को आपको मेंटेन करना होगा अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि कभी कभार पेपर जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी आ जाता है या फिर डिफ़िकल्ट आ जाता है, उस टाइम पर आपका एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करता है. इसलिए आप लोगों को एक्यूरेसी से अपना पेपर सॉल्व करना है. जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे वो आपको क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करनी होगे. आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप हमें जो क्वेश्चंस है आप लोगों के एग्जामिनेशन में आए वो शेयर कर सकते हो ताकि आपको उसका एक डिफरेंट सेशन मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, करेक्ट आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे. सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट. एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.